मलाइका बेटा वो सिटी हॉस्पिटल में है, हम जा रहे हैं, तू भी जल्दी से आ जा। सिटी हॉस्पिटल? सिटी हॉस्पिटल? ठीक है आंटी, मैं बस आ रही हूँ। चलिए चलिए। इसने तो हमें ऐसे हम साथ साथे वाले पोज में देख लिया, क्या करेंगे, पर इसके चेहरे को देखकर तो नहीं लग रहा था कि इसने हमारी बात पे विश्वास किया। यार तुम ये सब छोड़ो और जल्द से जल्द हॉस्पिटल जाओ और उस ऋषि के सामने ना दो चार आंसू बहा देना। गो गो फास्ट। ओके। Yes? Mr. Rishi Singh Bedi, कौन सा रूम है? वो जिनका अभी अभी एक्सीडेंट हुआ है। एमरजेंसी रूम कॉरिडोर से राइट। हॉस्पिटल फास्ट। रेडी ऑक्सीजन सिलेंडर फास्ट। बीजी कुछ नहीं होगा ऋषि को, ठीक हो जाएगा। आप ना प्लीज रोना बंद कीजिए प्लीज। डॉक्टर साहब मेरा ऋषि कैसा है? वो ठीक तो हो जाएगा ना, कोई डर की बात तो नहीं ना? भाई ठीक हो जाएगी ना? बहुत ज्यादा चोट तो नहीं लगी है? बोलिए। प्लीज शांत हो जाइए। देखिए मरीज के बहुत ब्लड निकल चुका है और अभी तक होश भी नहीं आया है, सर्जरी करनी पड़ सकती है। सर्जरी? क्यों? डॉक्टर साहब आप ये बताइए कि मेरा ऋषि ठीक हो जाएगा ना? आप पूछिए ना कितना टाइम लगेगा। आपका ब्लड कार्ड मैम? ब्लड कार्ड? मैंने कभी ब्लड डोनेट नहीं किया तो मेरे पास कार्ड नहीं है। आपके पास अगर बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का ब्लड है तो दे दीजिए। हाँ है मैम, पर उसके लिए आपको ब्लड डोनेट करना होगा। ब्लड डोनेट? मैं समझी नहीं। लगता है आपको नर्स ने बताया नहीं, एक्चुअली हमारे हॉस्पिटल में ब्लड की बहुत प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए जिस पेशेंट को ब्लड की जरूरत होती है हम उसके पैसे नहीं लेते, उसके बदले में पेशेंट के घर में से किसी को ब्लड डोनेट करना पड़ता है। तो आप ब्लड ले लीजिए। आपका ब्लड ग्रुप मैम? ओ पॉजिटिव। ब्लड डोनेट करने के लिए कौन से रूम में जाना होगा? मैम आप 301 रूम नंबर में चले जाइए। ये जो कुछ भी हुआ ना वो ना मैं उसको उल्टा सीधा बोलती ना वो घर से जाता। नहीं मॉम ना, आपकी वजह से कुछ नहीं, आपकी वजह से कुछ नहीं हो रहा है, चुप हो जाओ प्लीज। हाँ कहीं तनुजा ने इन सबको मेरे बारे में बता तो नहीं दिया? अब ये तो मिलके ही पता चलेगा इन लोगों को मेरे बारे में पता है कि नहीं। चल मलाइका, थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आंटी, आंटी ऋषि कैसा है? वो ठीक नहीं है, उसकी सर्जरी हो रही। नहीं मॉम कुछ नहीं होगा, और
यहाँ मत खड़े रहो, सर्जरी देखोगे प्लीज। चलो नहीं, नहीं, उधर चल मैं, के बैठो, नहीं मैं उधर चल के बैठो प्लीज प्लीज। चलो मेरी बात ठीक हो जाएंगे। अंकल जब मैंने ऋषि के एक्सीडेंट की खबर सुनी मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरा ही एक्सीडेंट हो गया। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अच्छा, अंधेरा? तुम्हारे चेहरे पे अंधेरा दिखाई तो नहीं दे रहा। पता है कहां उतना ही झूठ बोला करो जितना झूठ सामने वाला हस्म कर सके। ये राज अंकल भी ना पूरे अमरीश पूरी हैं, एक्टिंग भी ठीक से नहीं करने देते। कुछ भी हो लकी तो मैं बहुत हूं। क्या परफेक्ट टाइमिंग है एक्सीडेंट की, वहां ना तनुजा मेरी सच्चाई की गहराई में जा सकी और ना यहां किसी को कुछ पता चला। वाह मलाइका। ए चांद, आज मैंने तेरी पूजा की थी, तुझसे अपने पति की लंबी उम्र मांगी थी, मेरी पूजा सफल कर देना प्लीज। अभी आपसे पहले एक पेशेंट आया था तो हमने उनकी बीवी को कहा ब्लड देने के लिए, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं कहीं और से ले आऊंगी। और एक आप कितनी अच्छी हो जो एक सेकंड में राजी हो गई। सच में आपके पति बहुत खुश नसीब है। किस्मत वाली तो मैं हूँ जो मुझे ऋषि के लिए कुछ करने का मौका मिला। सिस्टर आप प्लीज ये बात किसी से बताइएगा नहीं कि मैंने ब्लड डोनेट किया। नहीं नहीं किसी से नहीं कहूंगी। थैंक यू। जी वो मैं ऋषि को ब्लड मिल गया। जो नर्स ब्लड लेके आई थी उसने बताया कि ऋषि की बीवी ने उसका अरेंजमेंट कर दिया। तुमने ब्लड डोनेट करके उसे रिप्लेस कर दिया। अनुजा तो तेरी पूजा फल पाई, ऋषि की सर्जरी ठीक से हो गई है, जल्दी भला चंगा हो जाएगा। अभी बेहोश है लेकिन जल्दी उसे होश आ जाएगा। क्यों लगी पुत्र, जब तू ऋषि की बीवी बनकर उसके सामने ढाल बनकर खड़ी है, उसका काल भी आ जाएगा ना, वापस चला जाएगा, उसकी किस्मत का लिखा भी बदल जाएगा। क्योंकि अब तनुजा बनकर ऋषि की जिंदगी में वापस आ गई। मैम इस पेपर पे साइन कर दीजिए। ठीक है पुत्र, तू साइन करके आ, मैं ऋषि को देखता हूं। अरे आपको होश आ गया? आपकी फैमिली कब से आपका वेट कर रही है, मैं भी सबको बुला के लाती हूँ। नर्स जी भाई कैसा है पुत्र? कैसा पुत्र? ठीक है ना? अब बीजी रिलैक्स भाई, ठीक है, अब फिक्र मत करो आप। ओके पुत्र, तू बाहर क्यों गया था बेटा? बीजी मेरी वजह से, सारी गलती मेरी थी। नहीं मां आपकी गलती नहीं थी। वजह कोई और है। जो बात समझ के भी नहीं समझना चाहते।
ऋषि पुत्र, मैं बहुत गुस्सा हूं तुझसे। व्हाट इज दिस यार, टेंशन मत लिया कर। और ये क्या, तू ड्रिंक करके ड्राइव कर रहा था? सॉरी पापा जी, गलती हो गई, फिर नहीं होगी। यार मैंने कितनी बार कहा कोई टेंशन होना तो मैं हूं ना, मेरे पास आया कर। नहीं पापा जी, कोई टेंशन नहीं है। वो एक्चुअली मैं ड्राइव कर रहा था, मतलब ड्रिंक भी कर रहा था, पता नहीं कब एक्सीडेंट हो गया। सॉरी, मुझे घर ले चलो ना प्लीज। नहीं भाई, आप घर नहीं जा सकते। नहीं, वो डॉक्टर नहीं जाने देंगे ना उस वजह से। एक होते क्यों, डॉक्टर क्यों नहीं जाने देगा? डॉक्टर क्या, डॉक्टर का बाप भी। चल बात करते हैं। किससे? डॉक्टर से? नहीं, उसके बाप से। ओके, चल चल। पानी ये पानी मॉम प्लीज इसे कहिए कि मुझसे दूर है। मलाइका जा बेटा, तू जाकर ऋषि का ख्याल रख। जी। मैं नहीं चाहती कि कोई गैर मेरे ऋषि का ख्याल रखे। डॉक्टर ने बोला कि ऋषि भाई को घर लेके जा सकते हैं और डैड ना डिस्चार्जिंग फॉर्म भर रहे से। बेटा ऋषि, उत्तर अब तू ना आराम कर, ठीक है? आप टेंशन नहीं लेनी, कोई ऑफिस के काम के बारे में सोचना भी नहीं। तेरे भाई है ना, संभाल लेंगे। हाँ। नहीं, कोई प्रॉब्लम आई तो मुझसे राय ले लेंगे। ओके, यू जस्ट रिलैक्स। जी तो मैं कहूं या ना कहूं, पर मुझे पूरा यकीन है, आई एम श्योर कि ऋषि का बहुत ख्याल रखे। युवराज, मनप्रीत, हाँ हाँ, चलो ऑफिस का काम कर लेते हैं। हाँ हाँ, आ जाओ। टेक केयर। हाँ बीजी, आप भी आराम करो। मलाइका बेटा, ऋषि को वक्त से दवाइयां दे देना, उसका ख्याल रखना। और तुम ऋषि से दूर ही रहना। It's okay. Malaika,
ऋषि को ये दवाई भी देनी है। ऋषि के पास जाने का बहुत अच्छा बहाना। बहाना नहीं है, शादी है। शादी नहीं, धोखा है ये। धोखा नहीं, प्यार है। जब से तुम इस घर में आई हो उससे पहले से ऋषि से मैं प्यार करती हूँ। मैं बहुत प्यार करती हूँ ऋषि से। वो मेरे दिल में रहता है। दिल में रहता है तो उसे दिल से निकाल दो, और ये मत भूलो कि तुम्हारा उसके साथ डिवोर्स हो चुका है। मैं उन कागज के टुकड़ों पर विश्वास नहीं करती मलाइका। मैं विश्वास करती हूँ तो उन कस्मों में, उन रस्मों में जिससे मेरी उससे शादी हुई है। शादी की थी, अब वो मेरा होने वाला पति, पर वो मेरा हो चुका है। दूर रहो उससे, वो मेरा पति है। हाँ, मैं तुम्हारा पति हूँ। सही कहा तुमने, मैं तुम्हारा पति हूँ। रस्मों कस्मों से, सात फेरों से, मांग सिंदूर से, मैं तुम्हारा पति हूँ। पर दिल और आत्मा से मैं तुम्हारा पति नहीं। ये रिश्ता उसी दिन खत्म हो गया था। ये रिश्ता, ये बंधन, ये शादी उसी दिन टूट गई थी जिस दिन मुझे पता लगा कि तुम्हारे पेट में किसी और का बच्चा है। जब मुझे लगा कि तुम्हें तो किसी और ने छुआ है, तुम पर किसी और का हक है, सब कुछ उसी दिन खत्म हो गया। सब कुछ। डॉक्टर फोन कर, चलिए आया। एक मिनट, कोई कहीं नहीं आएगा। चौके मैं ठीक हूं ऋषि। ये क्या बोल रहा था तू, फिर से बोल। एक बार फिर से बोल। क्या बोला? पापा जी, वो तो बस ऐसे ही कुछ बोला था। आप चलिए ना, हम खाना खाते, नाश्ता लगा दें। हाँ ना, एक मिनट ऋषि, बोल क्या बोल रहा था तू, बोल ना। मतलब तूने जो बोला वो सब गुस्से में बोला? कुतिया, गुस्से में कैसा अनाप शनाप बोलता है? इतना बड़ा इल्जाम लगाया मेरी बहू के ऊपर, शर्म नहीं आती? से शादी हुई है सबने इसके नाक में दम कर रखा है, लेकिन आज के बाद इसे कोई कुछ नहीं बोलेगा। अगर कोई बोलेगा तो याद रखना, इसके बाबूजी जिंदा है अभी। जिन हाथों से मैंने इसका कन्यादान किया था, उन्हीं हाथों से मैं इसका हाथ पकड़कर इसे घर से बाहर ले जाऊंगा। खुद भी इसके साथ चला जाऊंगा, क्योंकि जहां मेरी बेटी की इज्जत नहीं, मैं वहां नहीं रहूंगा। हाँ, सही कह रहे हैं आप। आपने इस पर बहुत भरोसा किया ना, इसे अपनी बेटी माना। हम सबसे छिपकर ऋषि की शादी इसके साथ करवाई, और इसने, आपकी बेटी ने क्या किया जानते हैं? ये किसी और के बच्चे की मां बनने वाली है।
तनुजा आज भी चुप है, इसका मतलब कहीं तनुजा सच में तो प्रेग्नेंट। जो मुझसे आंखें चुरा के बात कर रही है ना, ये इसकी शर्म है। ये एक बाप की आंखें हैं और बाप की आंखें धोखा नहीं खा सकती। ये बच्चे गलत नहीं है, मैं किसी की बात पे कुछ यकीन नहीं करूंगा। पूरा परिवार बोल रहा है, मैं बोल रही हूं तब भी? हाँ तब भी। ठीक है, मत मानिए आप, लेकिन मैं अब अपने ऋषि की जिंदगी बर्बाद होने नहीं दूंगी। मैं इसे इस तरह घुट घुट कर नहीं जीने दूंगी, समझे आप? रानो, घुट घुट के तो ये जी रही है। आपको आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं? मुझे अपनी बच्ची पर यकीन है। ठीक है, ये लीजिए, इस रिपोर्ट पर तो विश्वास करेंगे हम सब झूठ बोल सकते हैं, पर ये रिपोर्ट तो झूठ नहीं बोल सकती ना। और यहां तक कि जब ये रिपोर्ट मैंने इसे दिखाई तब ये भी नहीं झूठ बोल सकती। देखिए देखिए, अच्छे से पढ़िए इस रिपोर्ट को, पढ़िए आप। मॉम, फाइनली आज दिलवाले दुल्हनिया का क्लाइमैक्स आ ही गया। अब ये अमरीश पुरी जिए या मरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पढ़ लिया? ये इस रिपोर्ट को आपने अच्छे से देख लिया ना? मैंने आपको बताने की बार बार कोशिश की, लेकिन बस यही सोच के रह गई कि पता नहीं अगर आपको ये पता चलेगा तो आपके साथ क्या होगा। आप शायद बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि आपकी इस बेटी ने क्या किया। मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, अब मैं अपने बेटे की हालत नहीं देख सकती। तुम दोनों के प्यार की निशानी दिखाई दे रही है मुझे। जी रिसॉर्ट में हनीमून के लिए गए थे ना? है ना?
ऋषि क्या बोलेगा। मैं बताती हूँ आपको, रिजॉर्ट में कुछ भी नहीं हुआ था। आपने ध्यान से पढ़ा नहीं इस रिपोर्ट को? इसमें साफ साफ लिखा है कि प्रेगनेंसी 1.5 महीने की है। ऋषि तो इसको डिवोर्स देना चाहता था और वो इसको डिवोर्स देने के लिए कोर्ट में ले भी गया। वो हम दोनों, मतलब मैं और तनुजा, हम डिवोर्स के लिए आए थे। आप कोर्ट में नजर आ गए। ऋषि को लगा कि पता नहीं आपको कैसा लगेगा जब जब ये बात जानेंगे आप। बस इसीलिए हमने ये बात छिपा ली। लेकिन अब तो ये बात सबको पता चल गई है ना, आपको भी पता चल गई है, तो अब मैं इस लड़की को 1 मिनट के लिए भी इस घर में नहीं रहने दूंगी। डिवोर्स होता है, होता रहेगा बाद में, लेकिन अब ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी। मलाइका जाओ, जाकर इसका बैग पैक करो। जी। कुछ भी हो जाए, अब ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी। Yes! आज तो ऐसे लग रहा है जैसे कि मैं हवाओं में हूं। खुशी मिल रही है मुझे। थैंकफुली इस डर्टी पिक्चर का दी एंड हो ही गया। चल मलाइका, जल्दी से पैकिंग वैकिंग कर दे और उस तनुजा को तो ऐसे बाहर फेंकेंगे कभी वापस ना आ पाए। और उसका कोई भी सामान छूटना नहीं चाहिए। हाँ, सारा के सारा सामान पैक कर दूंगी, नहीं तो मैडम फिर से आ जाएगी लेने और कुंडली मार के यहीं बैठ जाएगी। आप ठीक तो है ना? आप आइए बैठिए, आइए प्लीज। पापा जी प्लीज आइए बैठिए, आइए बैठिए। ज्यादा मत सोचिए प्लीज। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। तनुजा मेरी बेटी है, मेरा गुरु। और वो जानती है, अच्छी तरह से जानती है कि वो मेरा गुरूर तोड़ नहीं सकती। मुझे कोई बात है जो वो छुपा रही है। उसकी आंखों में धोखा। जी हाँ, उसकी आंखों में सिर्फ धोखा है। पापा जी बात यह है कि आप बहुत अच्छे हैं तो आपको दुनिया अच्छी लगती है। नहीं, यही सच है। देखिए आप ये सब बातें सोचना बंद कीजिए, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। प्लीज इट्स नॉट वर्थ इट। ओके आप पानी पीजिए। कुछ नहीं हुआ है मुझे यार। अनुजा, मैंने आज तक ना तुमसे कुछ चाहा है ना बोला है, लेकिन आज बोल रहा हूँ, तुम इस घर से हमेशा के लिए चली जाओ, हमेशा के लिए चली जाओ। शायद इसी में हम सबकी भलाई है। गेट आउट। क्या हुआ? आप सब लोग इतने सीरियस क्यों लग रहे हैं? चाची आप रो क्यों रही हैं? स्माइली, बड़ों की बात हो रही तो अपने कमरे में जा। चल जा।
जा। स्माइली, सुना नहीं माँ ने क्या कहा? अंदर जाओ। चलो तनुजा की पैकिंग तो हो गई। बाय बाय तनुजा, आई विल नेवर सी यू अगेन। चल मलाइका। तुम्हारी इस घर में और ऋषि की पत्नी के रोल में कहानी खत्म। Finished. You are finished. देखो इस घर के लोगों का तुमने क्या हाल कर दिया, सबको कितना दर्द दिया, कितना रुलाया है। देखो राज अंकल की हालत देखो, बीजी को देखो। एक्चुअली सारी गलती मेरी ही है, इट्स ऑल माई मिस्टेक। मानो आंटी आप ठीक कहते थे, इस लड़की को मैं ही इस घर में लाई थी। गलती मैंने की तो उसका सुधार भी अब मैं ही करूंगी। जिन हाथों से इस लड़की को मैं इस घर में लेकर आई थी, उन्हीं हाथों से अब बाहर निकालूंगी। मुझे नहीं पता कि मैं रोड पे गिरी हुई नहीं बल्कि कैरेक्टर से गिरी हुई लड़की को इस घर में ला रही। तुम जैसे लोगों के लिए इस घर में अब कोई जगह नहीं। So just get lost. Set निकलो। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। माइली को इस तरह घर से निकालने वाली तुम होती कौन हो? देखा देखा ना, देखा ना आप सबने इस लड़की को, बड़े तो बड़े, इस लड़की ने घर की छोटी बच्ची पर भी जादू टोना कर दिया है। स्माइली इधर आ, मैंने तुझे कहा ना चल चल अपने कमरे में। नहीं मामा, मैं नहीं जाऊंगी। मामा प्लीज प्लीज चाची को जाने से रोकिए। मामा प्लीज ऐसा मत कीजिए। स्माइली तू अभी छोटी है, तुझे समझ में नहीं आएगा यहाँ क्या हो रहा है। मामा मैं सब समझती हूँ, मैं सब समझती हूँ। प्लीज प्लीज चाची को जाने से रोक लीजिए। चक्स चाचू, चक्स आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? चक्स प्लीज चाची को जाने से रोकिए, प्लीज प्लीज कुछ कहिए। स्माइली तुझे क्या कहा? मैं तुझे कहा था अंदर जा, तुझे समझ में नहीं आता है? तनुजा तनुजा इस घर में नहीं रह सकती, तू अंदर जा। क्यों नहीं रह सकती? वो इस घर की बहू है, चक्स की वाइफ है। हाँ पर वो किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली है। शी इज प्रेग्नेंट किसी और। तनुजा इस घर में नहीं रह सकती, बस। उसने इस घर की मर्यादा और इज्जत के साथ खेल के यहाँ के सब रिश्ते नाते तोड़ दिए। वो इस घर में नहीं रहेगी। अब यहाँ खड़ी खड़ी तमाशा क्या देख रही हो? निकलो बाहर। मलाइका स्मैल छोड़ मैं। चाची आप कहीं नहीं जाएंगी, ठीक है? अब यही रहोगे। तुझे समझ में नहीं आता है मैं तुझे क्या कह रही हूँ? चल यार, मुझे कुछ नहीं समझ रहा है। स्माइली आप समझ क्यों नहीं रही है? स्माइली चुप रहो, बस चुपचाप वही करो जो तुमसे कहा जा रहा है। तुम चुप रहो। तुम्हें मेरी बेटी से बात करने की कोशिश नहीं करता। मामा प्लीज प्लीज तुम चाची से ऐसे क्यों बात कर रही है? मामा प्लीज चाची को रोको प्लीज। चलो नहीं चलो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मॉम क्या कह रही है?
चलो अंदर चलो चलो मुझे नहीं जाना है। स्माइली जस्ट शट अप। तुम्हें समझ में नहीं आता सब लोग क्या कह रहे हैं। अपने कमरे में जाओ, जो सब कह रहे हैं वो करो। मैं कहीं नहीं जाने वाली और चाची भी कहीं नहीं जाएगी। मैं देखती हूँ कि तेरी चाची कैसे कहीं नहीं जाए। निकल जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। नहीं कहा ना मामा, चाची कहीं नहीं जाएगी। स्माइली अब तो वो इस घर से जाएगी और तुम खड़े खड़े देख क्या रही हो? तुम्हें समझ में नहीं आता है? गेट लॉस्ट आउट और तुम चलो। मामा प्लीज, तुम्हें समझ में नहीं आता मैं तुमसे क्या करने की कोशिश कर रही हूँ। तनुजा प्रेग्नेंट है इसलिए वो इस घर में नहीं रह रही। नहीं चाची प्रेग्नेंट। तुम पागल हो गई हो क्या? बकवास कर रही हो? हमने खुद इसके रिपोर्ट देखे, ये प्रेग्नेंट है, तुम चलो। नहीं मामा, वो प्रेग्नेंट नहीं है। अगर आप लोगों को घर से किसी को निकाला तो मुझे इस घर से निकालिए। तुम मुझे बचाने के लिए ये सब क्या बोल रही हो? बस चाची, अब और कितना जू? मैं आपको बचा रही हूँ या इतने दिनों से आप मुझे बचा रही है? स्माइली क्या करती है? वही जो मुझे मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। स्माइली पागल हो गई है तू? तू जानती है प्रेगनेंसी क्या होती है? हाँ तू झूठ बोल रही है ना? इसके लिए झूठ बोल रही है तू? हाँ बोल। नहीं मामा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, झूठ चाची बोल रही है। हाँ क्योंकि ये झूठी है। इसने रिश्ते के लिए झूठ बोला, शादी के लिए झूठ बोला, इसके खून में ही झूठ है। इस से लेके पांव तक झूठ है। तुम क्यों झूठ बोल रही हो? झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं, वो भी इसके लिए। झूठ मत बोल। हाँ हाँ झूठ है। इनकी हर बात, इनकी हर चाल झूठ है। इतना बड़ा झूठ किसके लिए? मेरे लिए। सबके लिए, इस घर की इज्जत के लिए। हम सबने पता नहीं चाची को क्या क्या कहा और वो हमेशा बेचारी चुपचाप सुनती रही। सॉरी चाची, आज मेरी वजह से आपका घर टूट जाता, आपका वो हर रिश्ता टूट जाता। आई एम रियली सॉरी। हाँ मैं सच कह रही हूं,
चाची की कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। ये जानती थी, आप लोग इसकी बात नहीं समझेंगे, इसलिए आप में से किसी को ये सच नहीं बताया। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि इसने जो किया है सही किया, बहुत गलत किया, बहुत बड़ी गलती हुई है इससे, लेकिन तो गलती हो गई ना, आप गलती को भूल जाइए प्लीज प्लीज, माफ कर दीजिए प्लीज। पर उस रिपोर्ट में तो तुम्हारा नाम लिखा था तनुजा, नाम से ही लोग बदनाम होते हैं मलाइका। चाची ने ये सब इसलिए किया ताकि ताकि किसी को मुझ पर शक ना हो। उस दिन जब चाची अपने पैर का एक्सरे करवाने गई थी तो उसी हॉस्पिटल में मैं भी थी। नो नो, इट्स कंफर्म्ड, डॉक्टर्स ने कंफर्म किया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर अगर घर पर किसी को ये बात पता चल गई तो। चाची प्लीज, आप इस वक्त घर पे किसी से कुछ मत कहना, ये बहुत बड़ी बात है स्माइली। तुम अभी मेरे साथ घर चलो, घर चल के अपने पेरेंट्स को सब कुछ बताओ, वो तुम्हारे इस बॉयफ्रेंड के पेरेंट्स से बात करेंगे और तुम्हारी शादी करवाएंगे। तो नहीं चाची, चाची भाभी नहीं, दर्श को पहले अपने पेरेंट्स से बात कर लेने दीजिए, उसके पेरेंट्स को अभी इस बारे में कुछ नहीं पता, उसके बाद मैं खुद मॉम डैड से बात करूंगी और उन्हें सब सच बता दूंगी। स्माइली ये बहुत बड़ी बात है और ऐसी बातें अपने पेरेंट्स से नहीं छुपाई जाती। अरे मम्मी पापा तुमसे इतना प्यार करते हैं और किसी को भी अपने पेरेंट्स से इतनी बड़ी बात नहीं छुपानी चाहिए। तुम चलो चल के बताओ सबको सब कुछ। नहीं, नहीं चाची अभी चलो, चाची ने सुसाइड कर लिया। अगर आपने इस वक्त घर पर किसी को भी बताया तो तुमने सुसाइड कर लिया। कैसी बातें कर रही हूँ मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी ओके, पर तुम गलती से भी ऐसा ख्याल अपने दिमाग में नहीं लाओगी, सब ठीक हो जाएगा समझी। चक से भी नहीं कहूंगी, कुछ नहीं कहूंगी, नहीं कहूंगी किसी को कुछ नहीं कहूंगी। जब मैं हॉस्पिटल गई तो मैं इसकी डॉक्टर से मिली, मैंने उनसे बात की, उन्हें समझाया और इसके रिपोर्ट्स में अपने नाम लिखवा दिए। डॉक्टर ये सब काम नहीं करते, वो कर ही नहीं सकते। करते हैं और किया है, जो डॉक्टर मेरे पैरों का ट्रीटमेंट कर रहा था वो
उसकी गायनाक का हस्बैंड था, इसलिए इसकी गायनाक को मैंने समझाया और वो रिश्ते नाते समाज ये सब समझती है, उसको मेरी बात समझ में आ गई और उसने वही किया जो मैंने उससे कहा। ये सब चाची ने मेरे लिए किया, अगर मैं इनसे सुसाइड की बात नहीं करती तो ये तो उसी दिन आप सबको सच बता देते। चाची आप सबको हर्ट नहीं करना चाहती, उन्हें डर था कि अगर वो आप सबको सच बता देगी तो कहीं कहीं मैं अपने आप को कुछ ना कर लूं। उन्हें डर था कि अगर ये बात सबके सामने आ गई तो घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मुझे लगा कि मैं कुछ ना कुछ करके मैरिज कर लूंगी, लेकिन बात यहां तक पहुंच जाएगी आज आप सब मिलके ना इस तरह घर से। I'm sorry, चाची, मैंने बिल्कुल रियलाइज नहीं किया कि मैं अपना पास छुपाने जिससे आपका फ्यूचर बर्बाद कर रही थी, उसे ही तो मुझे माफ कर देना चाची प्लीज। सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। I'm sorry. मलाइका, तनुजा का सामान इसके कमरे में वापस ले जाओ। ऋषि, मैंने कहा था ना, एक बार नहीं हजार बार कहा था कि ये कुछ छुपा रही है, कि कुछ है, कुछ बात जरूर है। तुझे इसकी आंखों में सच दिखाई नहीं दिया? ये वो सच छिपा रही थी जिसकी वजह से आज घर के सारे लोग झूठे साबित हो गए। शर्मा रही है मुझे, मेरे घर की एक बेटी ने शर्मोया के सारे पर्दे हटा दिए। और एक बेटी ये है, देखा देखा आप लोगों ने, इसने स्माइली की करतूत पर पर्दा डालने के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी, अपना वजूद दांव पे लगा दिया। बेटी, बेटी का मतलब क्या होता है? बेटी का मतलब जानती है ना?
बेटी बाप के कलेजे का टुकड़ा होती है, कलेजे का टुकड़ा माँ बाप की परछाई होती है। बेटी जब घर में आती है ना तो लोग कहते हैं ना कि घर में लक्ष्मी आई। तनुजा, मैंने तुझे कभी बहू नहीं समझा, हमेशा हमेशा अपनी बेटी माना है, और तू भी बहुजी बहुजी, लेकिन तूने अपने बहुजी की फिक्र नहीं की। तूने अपने बहुजी से झूठ बोला, पूरे परिवार से झूठ बोला, अपने पति से झूठ बोला, यहां तक कि तूने अपने आप से झूठ बोला। तनुजा, तू अपनी फिक्र करने कब सीखेगी? बोल पुत्र, सब लोग तुझे इतना कुछ बोलते रहे और तू चुपचाप सुनती रही। वो मलाइका बाहर की लड़की, उसने तुझे इतना भला बुरा कहा, इतनी खरी खोटी सुनाई और तू चुपचाप सुनती रही। तो ऐन वक्त पर आकर अगर स्माइली ने सच नहीं बताया होता तो तू ये घर छोड़ के चली जाती, इस घर की दहलीज लांघ जाती, अपने बाबूजी को छोड़ के चली जाती, अपना घर परिवार छोड़ के चली जाती। नहीं बाबूजी, मैं कहीं नहीं जाना चाहती थी, मैं कहीं जा ही नहीं सकती हूँ बाबूजी। आप सब, ये घर मुझ में बसता है, मैं इस घर में बसती हूँ, मैं कहीं नहीं जाना चाहती थी, पर अगर मैं कुछ बोल देती तो स्माइल की सच्चाई सबके सामने आ जाती बाबूजी। लेकिन पुत्र, इतना बड़ा झूठ, ऐसा झूठ। हाँ बाबूजी, इतने बड़े सच को छुपाने के लिए मैंने ये झूठ बोला, इस घर की मान मर्यादा को बचाने के लिए झूठ बोला, इस घर को शर्मिंदगी से बचाने के लिए मैंने ये झूठ बोला। घर की बेटी घर का मान होती है, उस मान को बचाने के लिए मैंने झूठ बोला। इस घर की बात बाहर जाती, घर की इज्जत बाहर जाती, और घर की इज्जत से मेरी इज्जत है बाबूजी, हम सबकी इज्जत है। ये मेरा भी घर है ना, तो मैं इसे अपमानित कैसे होने देती? आप मुझे बेटी कहते, मैं अपने बाबूजी को अपमानित कैसे होने देती? आप ही कहते हैं ना बाबूजी, घर की बेटी से हजारों रिश्ते जुड़े हुए होते, तो हजारों रिश्तों को मैं हजारों बार कुर्बान कर सकती हूँ। मेरे लिए आपसे बढ़कर, इस घर से बढ़कर और कुछ नहीं है। अनुजा, मेरा भाई गुरु ही जानता है, पता नहीं तो कितने जन्मों से मेरी बेटी है, और पता नहीं जन्मों से तो जन्मों जन्मों के लिए इस घर से जुड़ गई है, और ये घर तुझसे। पर तुमने मुझसे भी सच्चाई छुपाई। आज आज सबके जैसे ना मैंने भी तुम पे शक किया, मैंने भी मान लिया कि तुम सच में कहीं प्रेग। मैंने तुमसे कितनी बार पूछने की कोशिश करी, पूछ रहा था ना कि सच बता दो बता दो, तुमने नहीं बताया। अगर आज तुम मुझे सच बता देती ना तो सबके सामने मैं तुम्हें इतनी सुनाता नहीं, बोलता नहीं। मैंने अच्छा नहीं किया यार, I'm sorry। पता नहीं अंदर से ना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, अजीब सा दर्द हो रहा है ना, पेन गिल्ट अजीब सा ही लग रहा है। अजीब तो मुझे लग रहा है मनप्रीत, स्माइली तुम्हारी बेटी है, ये सच जानने का हक सबसे पहले तुम्हारा था। मैंने
तुम्हें भी नहीं बताया। आई एम सॉरी। नहीं, गलती तो हमसे हुई है, बहुत बड़ी गलती। आई एम सॉरी।